हम लर्न करने वाले हैं रिप्लिकेशन के बारे में. व्हेन यू टॉक अबाउट द रिप्लिकेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू कि रिप्लिकेशन जो होता है कुछ कुछ बेसिक चीज़ें चलती रहती. रिप्लिकेशन जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, रेप्लिका कॉपी, इसका नाम है रेप्लिका. रेप्लिका का मतलब ये हो जाता है कि नॉर्मली कोई भी एक पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, आपको पता होगा कि डीएनए मॉलिक्यूल के दो एंड पाए जाते हैं, एक फाइव एंड एक थ्री एंड. थ्री एंड रिप्रेजेंट्स ओएच, फाइव रिप्रेजेंट्स द फाइव प्राइम फॉस्फेट. ठीक है, इसके साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री थ्री प्राइम ओएच होगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री फाइव प्राइम फॉस्फेट. तो ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए. अब क्योंकि सेल जब डिवाइड करता है, दैट सेल डिवाइड करना होगा, सेल डिवाइड करने के लिए एक आपको प्रोसेस पता होगा कि जब सेल डिवाइड करता है तो डीएनए रिप्लिकेट भी करता है, क्योंकि उसको दूसरे डॉटर सेल में भी सेम डीएनए भेजना होता है. अब रिप्लिकेट करेगा, सो किस फेज में होता है, एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन होता है. किस में होता है, एस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन जो पाया जाता है कि एस फेज में ये रिप्लिकेट करता है. इसमें भी अगर बात किया जाए क्रोमोजोम के केस में, तो सम क्रोमोजोम विच इज यू क्रोमेटिन एंड सम आर दैट इज हेट्रो, यू का अर्ली एस फेज में होता है एंड एच हेट्रोक्रोमेटिन का लेट एस फेज में होता है. किसमें होता है, लेट एस फेज में होता है. ठीक है, सो ये जो होते हैं रिप्लिकेशन होते हैं एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. फेजेस क्या होते हैं सेल साइकिल के, जी वन, एस, जी टू और एम फेज. इस फेज में डीएनए का रिप्लिकेशन हो रहा होता है. ये प्रेपरेटरी फेज होते हैं, ये प्रेपरेटरी फॉर द मेटाफेज. ये चीज़ें जो होती हैं वो चलते हैं. ये दोनों के दोनों गैप फेज जिसको बोला जाता है, दैट गैप फेज वन, गैप फेज टू, एंड दिस इज एस एंड दिस इज एम. नाउ एस इसलिए बोलते हैं बिकॉज सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है. सो इस पर्टिकुलर डीएनए से इसकी एक रिप्लिका कॉपी बनना. अब रिप्लिका कॉपी बनेगा तब, बिकॉज यू नो दैट डीएनए बाइंड्स इन द कॉम्प्लीमेंट्री वे. डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो कैसे बाइंड करते हैं, बाइंड्स इन कॉम्प्लीमेंट्री वे. कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, अब देखने की कोशिश करना कि दैट ए बाइंड करेगा टी के साथ, जी बाइंड करेगा सी, मतलब जी बाइंड करेगा सी के साथ. अगर किसी स्ट्रैंड पे आपके पास ए टी जी सी है, सो दूसरे स्ट्रैंड पे शुड बी लाइक ए किससे बाइंड करेगा टी के साथ, टी किससे बाइंड करेगा ए के साथ, जी किससे सी के साथ, सी किससे जी के साथ. दिस शुड बी इन द डीएनए. ये जो है आपका डीएनए का केस बनता है. जस्ट अगर आरएनए होता तो यही हो जाता कि ए टी जी सी, टी की जगह यहाँ पे क्या होता, यू होता, यू इन प्लेस ऑफ टी. ये जो हो जाता है टी हो जाता, टी की थायमिडिन की जगह यूरेसिल होता, किसमें, आरएनए में. ठीक है, नाउ एक और नोट यहाँ पे बता देता हूँ कि डीएनए जो होते हैं, डीएनए जो होते हैं दे कैन फॉर्म ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म ऑफ हेलिक्स जो आपको बताया गया था, एंड आरएनए कैन फॉर्म ओनली ए एंड जेड फॉर्म ऑफ हेलिक्स. बी फॉर्म नहीं करते, जो कि हमने आपको फंडामेंटल में डिस्कस किया था, वो न्यूक्लियोटाइड में डिस्कस किया था, बायोकेमिस्ट्री में, वो सेशंस यहाँ पे ज़रूरी होंगे. तो कॉम्प्लीमेंटरिटी का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करा ए से टी, या ए जो होगा वो किससे बाइंड करेगा आरएनए में, यू से, इन द केस ऑफ आरएनए यू से, बाकी जो होगा डीएनए में, इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग्स हो करेगा. सो जब इस तरीके की चीज़ें चल रही होती हैं कि फाइव प्राइम फॉस्फेट और ये सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसमें क्या हो रहा होता है कि एक इम्पॉर्टेंट पंगा ये होता है कि अब इसको अगर हमें करना है, देखो ऑलरेडी एक दो बेसिस पेयरिंग पे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डी नेचर, आपको इसको डी नेचर करना पड़ेगा. इसके लिए मैं बात करूंगा, ये क्या करेंगे कि दोनों स्ट्रैंड को अलग करना पड़ेगा, दैट देयर इज लाइक फाइव प्राइम फॉस्फेट एंड दिस इज थ्री प्राइम ओएच. अब जाके यहाँ पे इसकी सिंथेसिस, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर सकते हैं. पॉलीमरेज क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्री को ऐड करता है. लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी जो होता है रिप्लिकेशन के लिए, यू रिक्वायर्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिक्वायर प्राइमर. व्हाई, बिकॉज यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ को सिंथेसिस के लिए थ्री फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सी ओ पी ओ सी, इसको हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोलते हैं, इसको बाइंड करने के लिए यू रिक्वायर थ्री प्राइम ओ एच. और अगर हम इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाना चाह रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करें वो नहीं मिल पाता है. सो व्हाट वी डू, लाइक हमें एक प्राइमर डिज़ाइन करना होता है.
प्राइमर हमेशा हमें 3' OH प्रोवाइड करे, यानी इस एंड का 3' OH इधर आएगा तो एक्चुअली में प्राइमर कहाँ पे बाइंड करेगा, इधर बाइंड करेगा, सो दैट कि 3' OH यहाँ से मिले हमें, और ये जो है फिर एक्सटेंड होते 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 जो होगा वो आपके कहाँ पे जाएगा, वो आपके जाएगा 5' एंड की तरफ, सो दैट ये 5' से 3' OH फ्री करेगा और इसी तरीके से चलेगा। यहाँ पे देखिए 3' है, इसी वजह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर भी कैसे बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेगा तो 5' हो जाएगा, ये 3' हो जाएगा, यहाँ से एक्सटेंड करते 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 वो 5' की तरफ जाएगा। यू नीड सिंगल स्टैंडर्ड DNA एंड यू नीड प्राइमर, क्यों, क्योंकि 3' OH प्रोवाइड करेगा और 3' OH प्रोवाइड करेगा। अब ध्यान देना ये कुछ बेसिक चीज़ें, इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे, तो दीज आर थिंग्स जो कि आपको इन्वॉल्व होती हैं, और इसमें आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देना कि ये प्राइमर दो स्ट्रैंड पे जब ये बाइंड करता तो वी से इट इज अ रिवर्स प्राइमर, इसको क्या बोलते हैं, ये है रिवर्स प्राइमर, और इसको क्या बोलते हैं, ये फॉरवर्ड प्राइमर। यही कॉन्सेप्ट आपके कहाँ यूज होते हैं, यही यूज होते हैं बेसिकली PCR में, ये सेल बेस्ड में PCR में यूज किया जाता है। रिप्लिकेशन में और इसका जो इन वीवो रिप्लिकेशन है उसमें थोड़ा सा पहले ओपनिंग होगी, क्या होगा उसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं, बेसिक के लिए चलेंगे उन चीज़ों पे। ये थोड़ा सा बेसिक समझ लेना कि आपको सिंगल स्टैंडर्ड DNA और प्राइमर चाहिए चाहिए, इवन चाहे इन वीवो हो चाहे इन विट्रो हो, विल सी दैट। देखिए अगर DNA रिप्लिकेशन के कई अलग अलग मॉडल्स होते हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। जस्ट सपोज दिस डार्क कलर इज N15, इफ यू पुट इन टू द N14 मीडियम, सो अगर कंजर्व होगा तो 15-15 का एक स्टैंड, 14-14 का एक स्टैंड बनेगा। सेमी कंजर्व होगा तो एक 15, एक 14 बनेगा। डिस्पर्सिव होगा तो 15-14 जो है आपको ऐसे डिस्पर्स फॉर्म में मिलेंगे, 14-15, 14-15 समथिंग लाइक दैट। सो ये डिस्पर्सिव हो गया। जब सेकेंड राउंड रिप्लिकेशन करेंगे तो आपको जो ओरिजिनल वाला, फिर अगेन आपने N14 मीडियम में रखा तो 15-15 वाला तो रहेगा, उसके साथ सारे आपको 14 मिलेंगे। तो यू विल फाइंड अ 14 बैंड एंड 15 बैंड, आपको 14 और 15 का बैंड मिलेगा। ये मिसलसन स्थाल एक्सपेरिमेंट है जिसके ऊपर हम बात करते हैं। जब आप इसको बैंड पे जाएंगे तो यू विल फाइंड अ थिक बैंड फॉर 14, अ स्मॉल लाइक अ थिन बैंड फॉर द 15, बिकॉज 14 के 3 बैंड मिलेंगे एंड एक बैंड मिलेगा 15 का, यू विल गेट लाइक दिस काइंड ऑफ बैंड। वेन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जिसमें कि 14-15, 14-15 एंड 14-14 रहेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 14-14 का बैंड मिल सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर एक थिक बैंड मिल रहा है दैट शुड बी लाइक 14 एंड 15। अगर आप पहले लेवल पे चेक कर रहे हो, इस लेवल पे सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हो, तो देखो एक 14 मिलेगा, एक 15 बैंड मिलेगा, इसमें 14-15 का मिलेगा और इसमें कैसा मिलेगा, 14-15 के, लेकिन ये थिक नहीं होगा, ये डिस्पर्स सा बैंड होगा। आप बैंड देख के देख सकते हैं, लेट मी जूम द हियर सो दैट यू कैन सी द बैंड। देखिए यहाँ पे थिक बैंड है, ये थिन बैंड है, 14-15 का बैंड मिल रहा है और 14-15 का बैंड डिस्पर्स में मिल रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें पीक जो है वो शार्प नहीं आएगा, जो बैंड है वो शार्प नहीं आएगा, वो कैसा आएगा, वो थोड़ा सा डिस्पर्स वे में आएगा, बिकॉज दिस इज डिस्पर्स मैकेनिज्म। सो इस तरीके से जो होते हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैंड के थ्रू कि कैसे हम ये काम करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द रिप्लिकेशन मॉडल, देयर इज 3 रिप्लिकेशन मॉडल यू लर्न। रिप्लिकेशन मॉडल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो देयर आर 3 मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन, कई अलग अलग मॉडल होते हैं, उसमें 3 मॉडल ऑफ रिप्लिकेशन इज देयर जिसके ऊपर बात किया जाए। सो पहला मॉडल होता है जिसको बोलते हैं थीटा, दूसरा मॉडल होता है रोलिंग सर्कल और तीसरा होता है लीनियर। जनरली ये दोनों मैकेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट में और लीनियर होता है यूकैरियोट में। विल सी फर्स्ट दैट इज द थीटा मॉडल, देन रोलिंग सर्कल, देन लीनियर मॉडल। थीटा इज समथिंग यू विल लाइक, यहाँ पे क्या होता है कि थीटा जैसा दिखता है। देखिएगा जब एक डबल स्टैंडर्ड DNA, इसको ओरिजिन, क्योंकि DNA को स्टार्ट करने के लिए इन विट्रो देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से शुरू करोगे रिप्लिकेशन, एक ओरिजिन तो चाहिए ना, तो ओरिजिन चाहिए होता है और ओरिजिन पे मेल्ट किया, हेलिकेज जाके मेल्ट करता है और मेल्ट करने के बाद यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आपको इस तरीके से मिलेगा, ये ओपन होगा, एक लीडिंग स्टैंड एक लैगिंग स्टैंड की चीज़ें चलेंगी और चलने के बाद ये देखिएगा कि ये कुछ इस तरीके से पहले ऐसा दिख रहा था और अब ये ऐसा दिख रहा है। इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको थीटा जैसा दिखेगा,
थीटा ऐसे ही तो बनाते हैं, तो इट विल लुक लाइक थीटा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि थीटा मॉडल बोलते हैं। एक लीडिंग स्ट्रैंड इधर, लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग लैगिंग, अभी कैसे बनेगा लीडिंग लैगिंग उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है, परेशान मत होना, बस मॉडल का देखो कैसे हो रहा है। देखो जैसे नॉर्मल है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से कट किया, कट होने के बाद ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थीटा, यहाँ से नया सिंथेसिस बनना शुरू हुआ, ये देखिए थीटा जैसा दिखेगा और फॉर्क जो है वो यहाँ से एक तरफ ऐसे प्रोग्रेस करेगा, दूसरी तरफ इस तरीके से करेगा, तो ये चीज़ें जो होंगी वो चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो आपका चल रहा था। ऐसे चलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डी कैटेनेशन, ये देखिएगा कि आफ्टर थीटा मॉडल ये जो है कैटेनेट हो गए, फंस गए, कैटेनेटेड डीएनए है। जब कैटेनेटेड डीएनए है तो इसको रिमूव करने के लिए देयर इज अ रिक्वायर्ड एंजाइम रिक्वायर्ड विच इज नोन एज टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज आएगा, इसको कट करके रीलाइगेट कर देगा, तो दो स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, दो स्ट्रैंड जो है वो आपस में अलग हो जाएंगे। सेकेंड मॉडल इज अ रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। रोलिंग सर्कल इज समथिंग, कभी बचपन में पतंग उड़ाया है, कभी कहते हैं ना कि अगर बहुत मत फेंक लपेटना पड़ेगा, तो एग्जैक्टली ये जो होता है पतंग, जब हम ऐसे ऐसे घुमाते रहते हैं तो वो निकलता रहता है, कभी सुई धागा कुछ भी आपने ये काम किया होगा तो एग्जैक्टली ओरिजिन से किया, ओरिजिन से मेल्ट करने के बाद एक जो होगा कि एक तरफ घूमता चला जाता है, जिससे कि आपके एक तरफ का धागा निकलता चला जाता है। देखिए ओरिजिन से कट किया और ये घूमता जा रहा है, ये अलग निकलता जा रहा है, एज अ डीएनए मॉलिक्यूल अनवाइंड होगा, डिस्प्लेस होता रहेगा और इधर से सिंथेसिस चलती रहेगी। तो इसमें जो होते हैं नंबर, अगर आप बात करें तो मल्टीपल जो होते हैं चीज़ें बनती है। देखिए दैट रोलिंग सर्कल में यहाँ पे था, मान लीजिए कहीं पे इसका ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, कट किया, 5 प्राइम डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि शुरुआत होनी चाहिए कहां से, 3 प्राइम एंड से, 3 प्राइम OH से ही प्रोवाइड करेगा ना, यहीं से तो आपका पूरा का पूरा इन्वॉल्व होगा, क्योंकि रिप्लिकेशन के लिए 3 प्राइम OH चाहिए, आपको बताया जा चुका है। तो ये चलता रहेगा, देखिए बढ़ता जा रहा है, घूमता रहेगा और इस तरीके से ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। और ये क्या है, द साइकिल में भी रिपीटेड, इसके बाद साइकिल दोबारा रिपीट होगा, इसके बाद दूसरी चीज़ें होंगी, तीसरा होगा। सो मल्टीपल जो DNA फ्रेगमेंट्स आपको मिल सकते हैं, तो लीनियर DNA में भी सर्कुलराइज सर्व एज अ टेम्पलेट लीनियर मिलता है, और आपको यहाँ पे देखेंगे तो वन स्ट्रैंड ऑफ DNA ही जो होता है वो आपका निकलता है, चाहे ट्रांसफर हो चाहे रिप्लिकेट हो। ये मैकेनिज्म कहाँ पे आ जाता है, एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखेंगे तो एग्रो बैक्टीरियम फॉलो करते हैं इसको, एग्रो बैक्टीरियम जब tDNA ट्रांसफर होता है तो इसी मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म को। तो दिस इज लाइक, ये जो है रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म है, जैसे कि रोल करते रहते हैं। तीसरा है लीनियर, दैट इज इन यूकैरियोटिक, बहुत ही सिंपल सा लीनियर क्रोमोजोम होगा, ओरिजिन होगा, मेल्ट होगा, एक तरफ लीडिंग स्ट्रैंड चलेगा, दूसरी तरफ जो होगा लैगिंग स्ट्रैंड चलेगा, लीडिंग लैगिंग, इस तरीके से काम जो है वो चलता रहेगा। तो दीज आर द 3 मॉडल्स। लेट्स टॉक अबाउट द DNA रिप्लिकेशन हियर। DNA रिप्लिकेशन के ऊपर जब हम बात करते हैं तो DNA रिप्लिकेशन इज लाइक समथिंग, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज देयर। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना कि 2-3 चीज़ें जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमेशा किसी भी डीएनए में प्राइमर किस इंड पे बाइंड करेगा, प्राइमर जो बाइंड करेगा किसी भी चीज़ के 3 इंड पे, ठीक है, मतलब नॉर्मली 3 इंड पे फॉरवर्ड रिवर्स प्राइमर जो है 3 इंड पे बाइंड करेंगे। अब उसी तरीके से मतलब रिप्लिकेशन का फॉर्क, ध्यान देना, लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड, ठीक है। इसके बाद आता है लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर जब हम बात करते हैं तो यह होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। यही दोनों पंगा आपको समझना है, अगर आप समझ गए तो बाकी चीजें क्लियर है। लीडिंग लैगिंग के ऊपर बात करते हैं, लीडिंग कॉन्टिन्यूअस होगा, ये होगा। हमेशा ध्यान देना कि प्राइमर जो होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनेगा, मतलब 5 प्राइम होगा, 3 प्राइम OH प्रोवाइड करेगा और एक्सटेंशन इसी डायरेक्शन में होगा, हमेशा 3 प्राइम OH से। तो डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन कैसा होगा, इफ़ यू सी दैट डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन, अगर आप बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन के लिए, तो दिस शुड बी ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम। लेट मी टेल यू एक इंपॉर्टेंट चीज बता दो, क्योंकि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में बनता है, तो चाहे रिप्लिकेशन हो, चाहे किसी भी न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस हो,
चाहे कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, चाहे डीएनए आरएनए वॉट एवर, सबका डायरेक्शन यही होता है, 5' टू 3'। ठीक है, हर कोई 5' टू 3' डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। सो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज देयर, दैट ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। देखने की कोशिश करिएगा, 5' है यहाँ पे। अब कोई भी प्राइमर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे मेल्टिंग हुई, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन से देखिए 5', ये 5' एंड होगा, यहाँ पे 3' होगा, इसी वजह से ये एक्सटेंड हो रहा है, होते 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 3' इधर की तरफ। देखो क्योंकि ऊपर वाला स्ट्रैंड 5' है तो इधर की तरफ ही तो आएगा 3', तो सो दैट दे कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री। थोड़ी सी मेल्टिंग हुई, यहाँ से चलता चला आएगा, चलता चला आएगा, चलता चला आएगा। हमेशा ध्यान देना कि किसी भी पर्टिकुलरली, चाहे वो बाई डायरेक्शनल हो, जनरली बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ कि फॉर्क का मूवमेंट जो होता है, लीडिंग स्ट्रैंड का, लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री मूव करेगा किससे, जिधर फॉर्क 5, मतलब नॉर्मली देखिएगा ये है लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 5' टू 3', यानी उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसी तरफ 5' एंड की तरफ जा रहा है। सो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो इज लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक दिया होगा कि एक 5' है तो दूसरा जो होगा 3' होगा और ये 5' होगा नीचे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है, ध्यान देखना। अब देखो कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फॉर्क अभी क्या है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे फॉर्क वगैरह पे। तो इट वाज लाइक वेरी सिंपल थिंग कि जब ये पूरा का पूरा रिप्लिकेशन अपेरेटस होगा, ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये फॉर्क इधर की तरफ चल रहा है, एक फॉर्क इधर की तरफ चल रहेगा, तो लीडिंग भी बनेगा उसी स्टैंड पर, लैगिंग भी बनेगा। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ध्यान देना कि देयर इज लाइक डायरेक्शन, हमेशा ध्यान देना कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड जो होते हैं वो ऑन बोथ स्ट्रैंड, ऑन बोथ स्ट्रैंड, ठीक है, दोनों स्टैंड पे बनते हैं। दैट न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होगा वो 5' टू 3' होगा, एंड इसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो 3' टू 5' डायरेक्शन में होगा, 3' टू 5' डायरेक्शन में, क्योंकि ये काम कर रहा है। चाहे वो ओ का जाके फ्रैगमेंट बने, चाहे वो लीडिंग स्ट्रैंड बने, ध्यान देने की कोशिश करना कि हमेशा देखो, चाहे लीडिंग स्ट्रैंड बने, ये वाला देख रहे होगे आप, लेट मी लाइक, ये देखिए दिस वन, ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन में, ये इधर डायरेक्शन इसका एक ही है, ऊपर वाले का डायरेक्शन भी एक ही है, चाहे वो उसके पीछे से आ रहा हो, चाहे उसके आ रहा हो, तो डायरेक्शन एक स्टैंड का हमेशा वही जो मैंने बताया वो होता है। एंड साइमल्टेनियसली ध्यान देना, साइमल्टेनियसली सिंथेसाइजेस बोथ स्टैंड, ये जो होते हैं साइमल्टेनियसली सिंथेसाइजेस बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड को साइमल्टेनियसली सिंथेसाइज करते हैं। विल सी वन बाई वन, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हैं, देखिएगा। अभी क्या है, अपन इस हिस्से को, ये जो है ये वाला जहां पे आप डैश देख रहे हो, इसके एक हाफ की बात कर रहे हैं। मान लो कि कोई डीएनए कुछ इस तरीके से था, इसका ओरिजिन ऑफ, यहां पे ओरिजिन था, ओरिजिन उस पे मेल्ट हुआ, मेल्ट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहां पे एक प्राइमर होगा और प्राइमर के हिसाब से फिर एक चीजें लीडिंग चलेगा और एक जो है लैगिंग की तरफ चलेगा। ठीक है, अब देखना, जस्ट सपोज दिस इज द 3' एंड, ये 5' एंड है। अब इससे 5 से 3 डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है, फॉर्क इस डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा था, चल रहा है फॉर्क का मूवमेंट। अब देखिएगा कि जब थोड़ा सा ओपन हुआ था तो एक प्राइमर हमेशा इस पर्टिकुलर चीज को, थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूं सो दैट यू कैन गेट द बेटर आइडिया। सो देखने की कोशिश करना कि इस डायरेक्शन पे आने से पहले थोड़ा सा मैं जो बता रहा हूं उसको देखना, तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, तो आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा कि ये है पूरा का पूरा नॉर्मल ओराई, नॉर्मल डीएनए, इसके पास ओराई, ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, ये हुआ, ये है, डायरेक्शन के साथ चलोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ये है 5', 3', 3', इसके बाद ये ओपन होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, पहले ड्रॉ करने दो। ओपन हुआ, ये 5', 3', एंड ये है आपका 3', और ये 5'। अब देखो क्योंकि ये 5' है तो ये 3' है, तो इस पर्टिकुलर से प्राइमर, एक नॉर्मली पहले प्राइमर ऐड होगा,
एक नॉर्मल केसेस में पहले प्राइमर बनेगा कि भैया प्राइमर आ जाएगा, प्राइमर यहाँ पे आएगा, प्राइमर आएगा, तो प्राइमर आने के बाद ये है 5 प्राइम प्राइमर का, ये है 3 प्राइम, इससे ये लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। इतना ही फॉर्क ओपन है, अभी हेलिकेज ने इतना ही ओपन किया, अब लीडिंग स्ट्रैंड है। इसी तरीके इस वाले स्टैंड पे यहाँ से देखिएगा कि इस तरीके से प्राइमर बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर की तरफ लीडिंग बढ़ेगा, ठीक है। अब जो है इसमें प्राइमर जिस डायरेक्शन में बना है यहाँ पे भी, तो वही प्राइमर इसी डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि एक स्टैंड पे मैंने बताया था कि प्राइमर का डायरेक्शन सेम होगा, मतलब सिंथेसिस ये बनेगा, तो यहाँ से जब सिंथेसिस होता रहेगा तो ये ओराई तक आके रुक जाएगा, क्योंकि इसके आगे इसको प्राइमर मिल गया। सिमिलरली आप देखिएगा कि यहाँ पे भी प्राइमर का डायरेक्शन क्या होगा, वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये यहाँ से सिंथेसाइज करते हुए यहाँ पे आएगा और फिर रुक जाएगा। इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हुए यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ये है ओराई, अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो है प्राइमर आपका यहाँ पे 5 प्राइम टू, ये है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये 5 प्राइम होना चाहिए क्योंकि इसी से कॉम्प्लीमेंट्री जा रहा है। ये देखिए इधर से लीडिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम एंड जाएगा, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। इसी तरीके से जो है कि यहाँ पे भी ये बनेगा, सो दैट 5 प्राइम इधर है, 3 प्राइम इधर है, ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फाइन, नाउ नाउ इसके बाद देखना कि अगर ये चीज चल रही थी तो यहाँ पे, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टैंड पे ये 3 प्राइम है, तो प्राइमर इसका यहाँ पे जो बनेगा, कई लोग कहेंगे यहाँ पे बनेगा, भैया यहाँ बनेगा, अगर प्राइमर यहाँ बनता तो इसके आगे सिंथेसाइज क्या करेगा, क्योंकि डायरेक्शन तो उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा ना, रिप्लिकेशन हमेशा बनेगा, इसके आगे न्यूक्लियोटाइड मिलेगा ही नहीं जिसके कॉम्प्लीमेंट्री पे वो ऐड करे। तो इट वॉज वेरी सिंपल कि ये प्राइमर यहाँ ऐड होगा जहाँ तक ओपन हुआ है हेलिक्स, पहली बार में ओपन होके डायरेक्शन इसका ये देखिए 5 प्राइम इधर होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री इस एंड के ये वाला एंड जो है, और ये जो है 3 प्राइम एंड, और 3 प्राइम से एक्सटेंशन होते होते यहाँ तक पहुँचेगा और स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे अब नेक्स्ट वाला जो लीडिंग स्टैंडर्ड प्राइमर है वो है चल रहा था। सिमिलरली इस एंड पे क्योंकि 3 प्राइम एंड है तो प्राइमर यहाँ पे एंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड की तरफ ही प्राइमर एंड होता है, प्राइमर ऐड होता है जैसे आपको बताया गया, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो ये है इस तरीके से काम पहली बार जब हेलिक्स इतना ओपन हुआ था। नाउ ये हेलिक्स थोड़ा और ओपन होगा, ये जो है थोड़ा सा और ओपन होगा, लेट मी ड्रॉ इट, ठीक है। इसको मैं, इसका बनाने का कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा उसमें जो मैंने समझाया था। तो ये जो है केस बन रहा था पहली बार में, ठीक है, जब ये पहली बार में आपको ओराई से मेल्ट हुआ और इस तरीके से केस हुआ तो ये आपका ड्रॉ हो गया था, ओके, ठीक है। ये था डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसी को हमने यहाँ पे ओराई से करके ये वाला केस किया। नाउ इसको थोड़ा सा ये करिएगा, देखिएगा मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ लार्ज पे और अच्छा लगेगा। नाउ इसी स्टेप के आगे चलते हैं, सेकेंड स्टेप, ये तो था पहला, ये था दूसरा। आपको अगर समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओराई अभी भी यहाँ पे है, ओराई अभी भी यहाँ पे है, ठीक है। तो अब ये ओराई यहां पे है, ओराई यहां पे, तो इस चीज पे देखने की कोशिश करिएगा, ये वाला प्राइमर दिस वन, ये जो यहां था ओराई के पास, इस ओराई के पास, वो वहीं पे था और ये चलता रहेगा लीडिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस। सिमिलरली ये वाला प्राइमर जो यहां पे था ये भी चलता रहेगा यहां पे, ये 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये है 3 प्राइम, और यह है 3 प्राइम, 5 प्राइम प्राइमर इधर रहा, यह 3 प्राइम प्राइमर का एंड है, इससे डीएनए जो है इसके कॉम्प्लीमेंट्री ऐड होता चला जा रहा है, इधर ही वो भी चल रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखो जरा सा इस चीज पे, यहां पे जो है इस पर्टिकुलर केस पे ये जो ओका जाके फ्रेगमेंट बना था ये यहां पे ऐड था, इसके आगे का फॉर्क अभी ओपन हुआ है, तो मान लो कि ये प्राइमर जो ऐड था यहीं पे ऐड हुआ था, उस वक्त तक इतना ही ओपन था 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये इतना एक्सटेंड करके रुक गया था, और उस वक्त जब मैं इससे पहले वाले स्टेप में बात करता हूं तो इसी तरीके से यहां पे आके रुका हुआ था 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसके बाद थोड़ा सा और जब फॉर्क ओपन हुआ था तो थोड़ा सा और जगह मिला, तो अब प्राइमेज यहां पे एक प्राइमर फिर बनाएगा और इसके बाद फिर से सिंथेसाइज करेगा यहां पे,
और इसके बाद फिर एक प्राइमर इस स्ट्रैंड पे भी सेम डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम फिर जोड़ेगा और फिर करेगा, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहे, जितना फॉर्क ओपन होगा फिर उसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। अभी ये इतना हुआ था, फिर उसके बाद अगर इसी से हम थर्ड स्टेप पे जाएंगे, ठीक है, देखिएगा, अगर हमने इसी को थर्ड स्टेप पे किया, ये और फॉर्क ओपन हुआ और बड़ा हुआ, तो अगेन नॉर्मली जो यहां पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा था लीडिंग, वो तो चलता रहेगा, ठीक है, लेकिन लैगिंग क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो पीछे से जब ये सिंथेसाइज हो रहा है, वो बैक साइड से सिंथेसाइज हो रहा है, पीछे हो रहा है ओराई से, दैट्स वाई वी सी इट लैगिंग, ओराई के पीछे है और ओराई के आगे है ये, तो ये लीडिंग है, तो दैट्स वाई वी सी इट इज अ लीडिंग, ये लीडिंग है और लैगिंग में जो है ओराई के पीछे चल रहा था। अब देखो कि क्या केस हुआ कि अब इसी तरीके से एक प्राइमर जो यहाँ इस यहाँ पे पहले था, एक प्राइमर यहाँ पे जुड़ा था, यहाँ इतना सिंथेसाइज किया, अभी दूसरा प्राइमर जुड़े थे वो इतना किया था, अब और जगह मिल गया तो यहाँ पे तीसरा प्राइमर जुड़ेगा और करेगा, सो दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड, इसको क्या बोलते हैं, लैगिंग, ओराई के पीछे लैग कर रहा है, लैगिंग स्ट्रैंड है, और इसी को हम बोलते हैं इन फ्रैगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, समझ में आई बात। इसी तरीके से इसमें जो होगा, ओराई के पास वाला सबसे पहले सिंथेसाइज हो रहा होगा, देखो ये सबसे पहले था, इसके बाद और ओपन हुआ, तो ये जो है ये है पहला, ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं, सी मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं सो दैट यू कैन ईजिली डिफ्रेंशिएट कि पहला और दूसरा ओकाजाकी फ्रैगमेंट कौन है, ठीक है, तो ये है पहला, तो अगेन ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा, ये वाला जो है वो दूसरा हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे जो हो जाएगा कि भैया यहाँ पे एक प्राइमर बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और ये प्राइमर यहाँ से लेके आएगा, दैट ये है पहला ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये है दूसरा ओकाजाकी फ्रैगमेंट, अब इसके बाद मान लो कोई और आ गया तो वो यहाँ पे जुड़ेगा और इससे जोड़ के कर देगा ये तीसरा, ठीक है, और यहां पे आके जोड़ देगा और कह देगा कि ये भैया तीसरा, तो ओराई के नियर वाला जो होता है पहला फिर दूसरा, ये ऑर्डर होता है, इस तरीके की सिंथेसिस चीजें चल रही होती हैं, तो एग्जैक्टली वही चीजें देखिए, फॉर का मूवमेंट जो हो रहा था, होने के बाद जो ऑर्डर कभी कभी यहां पे सिक्वेंस दे दिया जाता है, 1 2 3 कर दिया जाता है, तो ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस क्या होगा कि देखिएगा, जो ओराई यहां पे कभी इस तरीके के एक हाफ दिया रहे तो ओराई यहां पे होता है, ठीक है, कहां पे होता है, ओराई जो होता है आपके, सो दिस इज समथिंग हियर, ओराई यहाँ पे है, अगर एक हाफ का दिया है, दिस इज वन हाफ ओनली, अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से एक हाफ का बताते हुए दिया हुआ है, तो वही चीज़ है कि लीडिंग लैगिंग स्टैंड आपको समझ में आया होगा, प्राइमर इस तरीके से चल रहा है, इनको रिमूव किया जाता है बाद में लीडिंग लैगिंग को, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे और सीखने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है, तो क्या समझ में आया ये बात, ये समझ में आ गया होगा कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट में ये बन रहा है और बनने का सिंथेसिस ऑर्डर क्या होता है, ओराई के पास वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये है ऑर्डर ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस का ऑर्डर जो है यही होगा ए बी सी डी, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द रिप्लिकेशन, समझ में आया क्या, ये चलता रहेगा और फिर बाद में जहां पे इसको टर्मिनेशन साइट होगा वहां पे चीजें आ जाएंगी, तो मतलब इन सब चीजों के लिए देयर आर सम एंजाइम्स रिक्वायर्ड, सम थिंग्स आर रिक्वायर्ड, तो उन चीजों पर हम बात करेंगे, जैसे आपको प्राइमेज की बात कर रहा हूँ, प्राइमर बनाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, प्राइमेजेस चाहिए, उसके बाद कुछ आपके हेलिकेजेस चाहिए जो कि क्या करेंगे, हेलिक्स को ओपन करेंगे, कुछ आपके रिकॉग्निशन एलिमेंट चाहिए, तो दिस विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्लास की वो चीजें क्या हैं और कैसे हैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं कि वो सारे के सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स क्या है, बेसिक्स क्लियर है तो अच्छी बात है, जरूर बताइएगा, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या पीएचडी का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर सीएसआईआर 2024 एग्जामिनेशन, मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना, एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। Use करिए कोड WED20 for getting the 20% discount. WED Me, educating India. WED Me, educating India.